रहा था कि समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, आपको जो है मुसीबत और परेशानी देख के डरना नहीं पड़ेगा। कहते हैं कि बदल जाए वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, बदल जाए वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरी को मत खोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो आपको हर हाल में चलना पड़ेगा। इसके साथ वालेकुम सलाम, आइए बैठिए। प्लीज टू कप्पी, मुझे तू कप्पी कह रहा है, तू कप्पी, तेरा बाप कप्पी, तेरा माँ कप्पी। अरे नहीं नहीं भाभी, इसका मतलब ये नहीं है दो कप चाय लेकर आ, अब तो कुछ समझती नहीं है, बिन बादल के परसने लगती है, गाली में तो पीएचडी कर रखी है। अरे मैंने सोची तू कप्पी कह रहा है, सीधा सीधा बोलो ना कि चाय चाहिए। मंगा मंगा थे हेलो, लाने के लिए थे, लग रहा है फेंकने के लिए कह रहे हैं। देखो अरे क्या कर रही है, यही तो कह रहे हैं फेंक दो। अरे ये तो तुम्हें धन्यवाद दे रहे थे। अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने सोची कि फेंकने के लिए कह रहे थे। भाभी जी को पढ़ाने का आवश्यकता है, लेकिन ये पढ़ने कहाँ जाएगी। भाभी जी को पढ़ाने के लिए टीचर रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं गुप्ता जी से बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग, कहा कैसे आना हुआ? अरे क्या बताओ गुप्ता जी, मैं तो बहुत पछता रहा हूँ, मेरी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, क्या आप मेरी वाइफ को पढ़ा दोगे? पढ़ाना ही तो है। ठीक है कल आ जाना। गुड नाइट। जब टीचर लोग जाए ना तो बहुत डिटेल से बनाएगा, तो घूम करके ठीक है ना, थोड़ा घूम कर। गुप्ता जी पढ़ाने के लिए आएंगे। क्या हमें गुप्ता जी पढ़ाने आएंगे? गुप्ता जी, अरे पगली गुप्ता जी नहीं, गुप्ता जी। अरे मैंने सोची गुप्ता जी। सही है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, घर पर कोई है? है तो क्या, सड़क पर खड़ी है। पढ़ाने के लिए भेजा है। अच्छा अच्छा, तुझे पढ़ाने के लिए भेजा है, तुम ही हो गुप्ता जी? नहीं गुप्ता जी, गुप्ता जी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कुर्सी लेकर। अब पढ़ाओ। अरे तुम क्या कर रही हो, तुम नीचे बैठो, मैं इस पर बैठूंगा। तो बैठो ना, कोई मना कर रहे हैं? अच्छा मैं तुम्हें एबीसी पढ़ाऊंगा। ठीक है, बोलो ए ए ए ए मत कहियो, ये अपनी पति को कहती हो। अच्छा कोई बात नहीं, बैठ जाओ। बोलो बी 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 मत कहिए, बी बी मैं अपने पति का हूँ। अच्छा बोलो सी सी, लगता है इसे मिर्च लगी है। रुको रुको मैं पानी लेकर आती हूँ। हेलो, अरे तुम क्या कर रही हो, मैं तो तुमको पढ़ाने के लिए आया हूँ, लेकिन तुमने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दी हो। लो मैं जा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा तुम्हें। तो जाओ ना, कोई मना कर रहे हैं? पढ़ लिया तुमने? हाँ पढ़ ली। क्या पढ़ाया तुम्हें? पहले तो पढ़ाया, बोलो ये। मैंने बोली ए मत कहियो, ये मैं अपने पति को कहती हूँ। फिर पढ़ा, बोलो बी बी। मैंने बोली बी बी मत कहियो, बी बी मैं अपने पति का हूँ। फिर काफी थी, मैंने सोची कि उसे मिर्च लगी है, तो मैं पानी लेकर आई और कॉपी रखकर चले गए। बताओ मेरी गलती कहाँ है? अरे तुम्हें तो कोई नहीं पढ़ा सकता, और तुम ठीक से पढ़ भी नहीं सकते। अरे मूर्ख हो, तो तुम्हें एबीसीडी पढ़ा रहे थे। एबीसीडी क्या होता है? अच्छा सब छोड़ो, अरे तुम्हें तो गाना बना आता है क्या? हाँ आती है। तो फिर सुना। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरो, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। गाना तो बहुत अच्छा गा लेती हो, बस तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, कल तुम्हारे पास संगीत के टीचर आएंगे। क्या संगीत का टीचर? टीचर नहीं, टीचर। एक टीचर क्या होता है? मास्टर जी। अच्छा अच्छा। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, कहो कैसे आना हुआ? मेरी वाइफ को संगीत सिखाना है, मेरी वाइफ को संगीत सिखा दोगे? जी जरूर सिखाऊंगी। ठीक है कल आ जाना। ठीक है, शुक्रिया। घर पे कोई है क्या? है तो क्या, तेरा बाप का घर है, जितना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है। देखिए ना, आपके घर में संगीत सिखाने के लिए सोनू ने भेजा है। अच्छा अच्छा, तुझे तुम ही हो संगीत का टीचर? अरे टीचर नहीं, टीचर। ये टीचर का मतलब क्या होता है? टीचर का मतलब
पार्षद। आप पढ़ाओ। अरे यार तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ बैठो, मैं वहाँ बैठूंगी। तो बैठो ना, कोई मना कर रही है? शहनारा आनिल है। जैसे मैं पढ़ाऊंगी वैसे तुम पढ़ना, ठीक है? ठीक है। मैं तुम्हें संगीत सिखाऊंगी। बोलो सा, सा, रे, रे, गा, गा, मा, मा। बोलो सारे गामा, सारे गाँव में। अरे ऐसे नहीं, जैसे मैं बोलूं वैसे बोलो, ठीक है? ठीक है। पा, पा, दा, दा, नी, नी, शा, वादा, निशा, पानी, वर्षा। ओहो ऐसे नहीं, जैसे मैं बोलूं वैसे बोलो, ठीक है? ठीक है। सारे गामा, पादा, निशा, सारे गाँव में पानी वर्षा। जैसे मैं बोलू वैसे बोलो, सारे गामा, पादा, निशा, सारे गधों ने पानी पी लिया। अरे तुम्हें बोलना भी नहीं आता है? मैं तो तुम्हें संगीत सिखाने के लिए आई थी और तुमने मुझे पानी पिला दिया। लो मैं जा रही हूँ। तो जाओ ना, कोई मना कर रहे हैं? संगीत सीख लिया तुमने? हाँ हाँ सीख ली। क्या सीखा संगीत में? पहले तो सिखाया सारे गांव में पानी बरसा, फिर सिखाया सारे गधों ने पानी पी लिया। बताओ कौन ऐसा टीचर है जो नाराज होकर चल रही? लगता है मेरी वाइफ को हिंदी की टीचर की जरूरत है। सुनोरिया कल तुम्हारे पास हिंदी का टीचर आने वाला है। हिंदी का टीचर? टीचर नहीं, अध्यापक। अध्यापक क्या होता है? मास्टर साहब। अरे तुम अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम सलाम। तो कैसे आना हुआ? मेरी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, क्या आप मेरी वाइफ को पढ़ा दोगे? मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है कल आ जाना। ठीक है। घर पर कोई है? है तो क्या, सड़क पर खड़ी है? सोनू ने तुम्हें पढ़ाने के लिए भेजा है। अच्छा अच्छा, तुम ही हो हिंदी का टीचर? टीचर नहीं, टीचर। ये टीचर क्या होता है? अध्यापक। अच्छा अच्छा, रुको मैं कुर्सी लेकर आती हूँ। आप पढ़ाओ। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? नीचे बैठो, मैं इस पर बैठूंगी। हर कोई आता है वही नीचे बैठा देता है। पता नहीं कैसी कैसी पढ़ाई होती है। शाहनारा आइनुल्ला, शाहिस्ता बिनते अरशद। अब मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाऊंगी, ठीक है? ठीक है। सीमा बिनते इब्राहिम। बोलो छोटी अस्ताना। छोटी अस्तमरपली की अम्मा। नहीं नहीं, बोलो छोटी अस्ताना। कहता रही हूँ छोटी अस्तमरपली की अम्मा। बोलो बढ़िया श्याम। बढ़िया श्याम बदाम। नहीं नहीं, बोलो बढ़िया श्याम। कहता रही हूँ बढ़िया श्याम बदाम। बोलो छोटी इमली। इमली, इमली बहुत खट्टी होती है और मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं, बोलो छोटी इमली। कहता रही हूँ, क्या सुनाई नहीं दे रही है? इमली बहुत खट्टी होती है और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी तुम्हें। लो मैं जा रही हूँ। तो जाओ ना, कोई मना कर रहे हैं? हिंदी हाँ पढ़ ली। बताओ आज तुम्हें हिंदी में क्या क्या पढ़िए? पहले तो पढ़ाया छोटी अस्तमरपली की अम्मा, फिर पढ़ाया बढ़िया से आम बदाम, फिर पढ़ाई इमली। मैंने बोली इमली बहुत खट्टी होती है और मुझे बहुत अच्छा लगा था। अरे तुम्हें तो कोई नहीं पढ़ा सकता, मैं तो पूरी तरह फंस गया हूँ। तुम जैसे अंकल लड़की का शादी करके सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अंकल लड़की का शादी कर, कोई ना करे, नहीं तो मेरी तरह परेशानी उठाना पड़ेगा। सभी लोगों से मेरी यह रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बेटी को, बहनों को पढ़ाइए। अगर पढ़ी लिखी लड़की रहेगी तो आपका जीवन सही से सुख के साथ गुजर जाएगी और मेरी तरह परेशानी सामना करना नहीं पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे किस तरह हुए